स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वपन टेक्निकल पर। आज हम फोटोशॉप में 3D पॉपअप इफेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से फोटोशॉप ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करी हुई है। इमेज ओपन करने के बाद आपने यहाँ से प्रेस करना कंट्रोल जे एंड डबल टाइम यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लिए मैंने दो एंड लेयर फर्स्ट कॉपी को हाइड कर दिया। लेयर फर्स्ट कॉपी को हाइड करने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करना एंड यहाँ पे ब्लैक कलर फिल करना है। तो यहाँ से ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया एंड ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस से आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो। एंड लेयर फर्स्ट पर क्लिक करना एंड देन यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक रखना। क्रिएट अ न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से यूज़ करना है रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने पेज पर ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है स्ट्रोक। स्ट्रोक यहाँ पे विथ 15 पिक्सल होनी चाहिए एंड देन कलर वाइट होना चाहिए। यहाँ से मैंने कलर वाइट सेलेक्ट किया एंड देन ओके किया एंड यहाँ से लोकेशन इनसाइड एंड ब्लेंडिंग मोड मैंने नॉर्मल रखा एंड ओपेसिटी 100% रखी एंड देन ओके किया। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपने कंट्रोल टी प्रेस करना। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से यूज़ करना पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यूज़ करने के बाद इसका एंगल थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देना है एंड दूसरा एंगल थोड़ा सा राइट की तरफ ड्रैग करना। अगेन राइट क्लिक करना है, इस पर यूज़ करना आपने डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट यूज़ करने के बाद आपने इसे एंगल को थोड़ा सा डाउन में कर देना। अगेन राइट क्लिक प्रेस करना एंड यहाँ से रैप यूज़ करना एंड इसका एंगल थोड़ा सा अप में यूज़ कर देना है। अप करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव करना एंड लेयर टू पे सिलेक्शन रखना है विद कंट्रोल। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से सिंपल क्यू प्रेस कर देना है। क्यू प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से यूज़ करना है ग्रेड पेंट बकेट टूल एंड देन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अगेन क्यू प्रेस करना एंड लेयर फर्स्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ से क्लिक करना ऐड अ लेयर मास्क पे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से लेयर फर्स्ट की कॉपी पे क्लिक करना एंड यहाँ से लेयर को शो कर देना है। लेयर शो करने के बाद आपको जितना एरिया शो करना हो यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो। कटिंग के लिए मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ किया एंड देन यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लिया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग कर लिया मैंने। कटिंग करने के बाद अगेन आपने इस पर मास्क लेयर अप्लाई करना है। मास्क लेयर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखेगा एंड देन बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर मैंने फिल किया हुआ है। अगर आप कलर नहीं फिल करना चाहते हैं ग्रेडियंट टूल अप्लाई किया। ग्रेडियंट टूल पे यहाँ पे कोई सा भी ग्रेडियंट आप यूज़ कर लेना एंड देन सिंपल ड्रैग कर देना। तो कैसा लगा इफेक्ट? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।